The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. So agar aapki bhi umar badhti ja rahi hai aur ab aap senior category mein aa gaye hain, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके घर में कोई सीनियर कैटेगरी का इंसान है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी लाइफस्टाइल को आप देखें, वो खुद अपनी लाइफस्टाइल को देखें कि मेरी लाइफस्टाइल में कहाँ गड़बड़ चल रही है, उसे ट्रैक पे लाएं, बिकॉज वहीं पर सारी बीमारियां शुरू होती हैं। सो आप बीमारियों को अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। हमारे सारे वीडियोस ट्रस्टेड और वेरीफाइड सोर्सेज से आते हैं, सो आप ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है, आप अगर एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, एनर्जेटिक जिंदगी जीना चाहते हैं, चलते फिरते रहना चाहते हैं 80-90 साल की उम्र तक, तो सबसे बेसिक रूल है अच्छा खाइए और एक्टिव रहिए। ये दो खतरनाक रूल है और ये आपके ड्रास्टिक डिफरेंस ला सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एक एज के बाद तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और कोई उम्र नहीं होती, इट्स नेवर टू ओल्ड कि आप अच्छा न्यूट्रिशन खाना शुरू करें और फिटनेस पे ध्यान देना कि मैं तो बुढ़ा हो गया और मैं क्या एक्सरसाइज करूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी क्षमता अलग हो सकती है। न्यूट्रिएंट रिच फूड आप खा सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एक्टिव रह सकते हैं, और अगर आप सिर्फ एफर्ट लेंगे या आपके आपके पेरेंट्स एफर्ट लेंगे तो इमीडिएट डिफरेंस फील करेंगे अपने एनर्जी लेवल्स और एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। जो मजा नहीं आता, मूड नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, इच्छा नहीं होती वो चीज में, ठीक है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे आपके फूड और एक्टिविटी के चॉइस जो है वो और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि आप चॉइस करके खाएं कि मुझे क्या खाना है, क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है, ना कि ये खाने का मन है, वो खाने का मन है, राइट। क्या हेल्दी खाना चाहिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। कम कैलोरीज चाहिए लेकिन आपको न्यूट्रिएंट, कुछ तरीके के न्यूट्रिएंट और ज्यादा चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी। तो इनके या तो आप सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे या तो अपने डाइट में ध्यान रखना पड़ेगा कि डेयरी भी हो, फ्रूट्स भी हो, ग्रेन्स भी हो, प्रोटीन हो, वेजिटेबल हो। 99% लोग जो हैं वो ये प्रोटीन जो है मार खा जाते हैं, प्रोटीन नहीं होता उनके डाइट में। डेयरी फिर भी लोग खाते हैं, फिर भी कई सारे लोग नहीं खा पाते, राइट। फ्रूट्स भी लोग कई लोग नहीं खाते, केवल क्या खाते हैं, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, वो भी ग्रेन्स मेजोरिटी खा लेते हैं, तो ये गलत है। तो आपको अपनी डाइट में ये प्रोपोर्शन देखो, फ्रूट्स 25%, वेजिटेबल ज्यादा, ग्रेन्स, प्रोटीन्स, डेरीज प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। सो आपका फोकस होना चाहिए ऑन क्वालिटी ऑफ फूड रैदर देन क्वांटिटी ऑफ फूड। कितना खाना है इसे ज्यादा, किस अच्छी तरीके से कौन सी चीज खानी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हर एक कैलरी को आप जो है अपने काउंट, मेक एवरी कैलरी काउंट फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ, ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ भी इस पर डिपेंड करेगी। तो एक हेल्दी प्लान लीजिए, ये माई प्लेट फूड ग्रुप बोलते हैं इसको। ये इस तरीके का आपके फूड, आपके पूरे, ऐसा नहीं कि हर बार आपने के सर एक प्लेट में हर बार फ्रूट कहाँ से लाएंगे, हम प्रोटीन कहाँ से लाएंगे, ये पूरे दिन का खाना है आपका। 24 आवर्स में आपने जो खाना खाया उसमें इतना परसेंटेज आपका फ्रूट होना चाहिए, वेजिटेबल इतने परसेंट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक टाइम सिर्फ फ्रूट खा लिया वो भी चलेगा, एक टाइम सिर्फ ग्रीन खा लिया, एक टाइम सिर्फ प्रोटीन, ऐसा भी मिक्स करके भी खाया तो भी चलेगा। सो इट अप टू यू कितनी बार खाया, पर वेट लॉस करना है, फिट होना है, उसके लिए फैट डाइट कतई नहीं करना चाहिए। नो, ये टाइम नहीं है फैट डाइट करने का। एक्सट्रीम डाइटिंग, खाना खाना बंद, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइटिंग, ऐसी चीजें नहीं करनी है। ड्रास्टिक वेट लॉस होगा तो आपका सबसे बड़ा जो है लीन बॉडी मास कम हो जाएगा, मसल कम हो जाएगा। उस उम्र में, एल्डरली की उम्र में जाके फिर मसल गेन नहीं हो पाती है, कुछ कर लोगे सीरियस न्यूट्रिएंट गैप आ जाते हैं ऐसे केसेस में, अगर आप कुछ टाइप के फूड कट कर दोगे। सर मैंने ना ये बंद कर दिया, क्या बंद कर दिया, रोटी बंद कर दी, चावल बंद कर दिया, ग्रेन्स बंद कर दिया, मैंने क्या किया, दूध भी बंद कर दिया, मैंने क्या किया, प्रोटीन भी बंद किया, मैं क्या खा रहा हूँ, सिर्फ फ्रूट खा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है भैया, ठीक है। सो यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग, बट प्रोपोर्शन कम कर सकते हो, प्रोपोर्शन कम करिए, पोर्शन कम करिए, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अपनी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर खाइए, कम खाइए, सबसे बड़ी चीज है कम खाइए, ज्यादातर लोग ज्यादा खाते हैं, ताकि आपका वेट स्टेबल रहे। वेट अगर आपका उम्र के साथ हर महीने एक महीने आपका वेट 70 था, फिर उसके बाद में 72 हो गया, फिर उसके बाद 74 हो गया, फिर 78, ऐसे बढ़ता नहीं जाना चाहिए, आपका वेट कम होना चाहिए। कि आपका वेट मान लीजिए 90 था तो आपका 988 हो जाए,
फिर आपका वेट 84 हो जाए, फिर धीरे 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 दो चार महीने में वेट कम 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 होना चाहिए, बिकॉज अब ताकत तो बढ़ने नहीं वाली है ना, कि शरीर बहुत ताकतवर होगा 10 किलो और मैं वजन झेल लूंगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। सो रिमेंबर यू हैव टू स्टेबलाइज योर वेट एंड योर मसल, यू विल लूज मसल। नॉर्मली एक उम्र के बाद जब आप एल्डरली में काउंट होते हो, हर साल 1 किलो मसल तो आती है आपकी, उसको कम कर सकते हो, उसको मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट, अच्छे एक्सरसाइज से, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से, अच्छे न्यूट्रिशन प्लान से, उसको रोकने की कोशिश कर सकते हो, नहीं तो लॉस होगा और उल्टा गेन करते रहो, उल्टा मसल लॉस हो रहा है, उल्टा वजन गेन कर रहे हो, तो क्या आ रहा है, बॉडी में फैट आ रहा है ना और चर्बी आ रही है, क्या फायदा होगा बताओ। सो टॉक टू योर डॉक्टर इफ यू आर नॉट लूजिंग वेट, टॉक टू अर न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, रजिस्टर्ड डाइटिशियन से बात करना, ठीक है, डाइटिशियन। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बोन्स एंड मसल, नहीं तो गिरे ट्रक टूट जाएगी मस हड्डी, ऐसा हो जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड प्रोटीन, पावर ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल विद ऑल ऑफ ऑल दी एजेस, उनको अगर स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स चाहिए, और इवन अगर आप बुजुर्ग हो गए, एडल्ट हो गए, ओल्डरी हो गए, ओल्ड हो गए, तो बहुत जरूरी है आपको प्रोटीन्स लेना टू मेंटेन योर मसल मास। याद रखो 1 किलो मसल पर मंथ लॉस होना मजाक नहीं है भैया, पर ईयर लॉस होना मजाक नहीं है। एंड यू नीड प्रोटीन्स टू फाइट इन्फेक्शन, टू रिकवर, रिकवरी के लिए बहुत जरूरी, इन्फेक्शन की लड़ाई के लिए अपने शरीर की हर चीज प्रोटीन से बनती है, प्रोटीन ही नहीं खाओगे क्या मतलब हुआ बताओ। तो आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, कोई ना कोई हाई प्रोटीन फूड लेना पड़ेगा ना, कुछ तो लेना पड़ेगा। क्या तो आप नॉन वेज खाते हो तो अंडा, मीट, फिश, चिकन कुछ खाओ, वेज खाते हो तो दाल, सोया, पनीर कुछ तो खाओ, या कुछ प्रोटीन वाला दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, कुछ तो लेना पड़ेगा, दाल, ऐसी चीजें बहुत जरूरी है। यू हैव टू टॉक टू योर न्यूट्री डाइटिशियन, सो बम्प योर प्रोटीन। हाउ टू डू दैट सर, कैसे करूँ मैं, कैसे करूँ, इंजॉय मोर बीन्स। आप अपने जितने हो सके बीन्स जो है सैलड में डालो, सूप में डालो, राइस में डालो, किसी में डालो, कोई भी अगर आप लेते हो, कोई चीज़ लेते हो उसमें पीनट बटर डाल सकते हो, होल ग्रेन के कोई क्रैकर्स वैकर्स खा रहे हो तो ऐसी चीजें, वैसे इंडिया में तो नहीं चलता ज्यादा, अंडे खा सकते हैं आप, अंडे जितने चाहे उतने अंडे, व्हाइट एग, व्हाइट खा सकते हैं, एग व्हाइट आप 5 खाने 10 खाने कोई टेंशन नहीं, कुछ गर्मी नहीं होती उससे, एग येलो एक या दो एक खाना बस पूरे दिन में। लो फैट चीज खा सकते हो, लो फैट पनीर खा सकते हो, लो फैट मिल्क ले सकते हो, याद रखें कुक विथ मिल्क, यू कैन इवन कुक विथ मिल्क, फैट फ्री मिल्क या लो फैट मिल्क यूज करिए रादर देन वॉकर टू वाटर टू मेक सूप या ओट मील, एंड देन लास्टली यू कैन यूज प्रोटीन पाउडर। जी हाँ, प्रोटीन पाउडर जोरदार चीज है, वे प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन आइसोलेट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, अच्छे से अच्छे वे प्रोटीन अवेलेबल है, ओरिजिनल भी है, नकली भी है, नकली में मत पड़ जाना, ओरिजिनल लेना है, ओरिजिनल लेंगे आप बढ़िया वेबसाइट से, अच्छी कंपनी की वेबसाइट से, कंपनी से डायरेक्ट मंगा के ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको क्या करें, पानी में लेना, दूध में लेना है, सूप में डालना है, दाल में डालना है, खाने में डालना है, आई डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको खा सकते हैं आप, कैसे भी खा सकते हैं वे प्रोटीन को, ठीक है। 1 स्पून 2 स्पून आप जितना आप लेंगे वो ज्यादा अच्छा, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने डाइटिशियन, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू रियली वॉन्ट टू बी लाइक एक्टिव फिट थ्रू आउट योर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर करो, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।